हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैरीन फिशरीज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है मैरीन फिशरी के अंदर वो है प्रिंसिपल कैप्चर फिशरी। कौन सी जो फिशेज हैं जो सबसे ज़्यादा कैप्चर होती हैं, उन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए जी, हिल्सा फिशरी है, सार्डिन फिशरी, मैकरल फिशरी, बॉम्बे डक फिशरी, रिबन फिशरी, ईल फिशरी, पॉम्फ्रेट फिशरी, पॉलीनिमिट्स, सोल फिश फिशरी, पॉम्फ्रेट्स, सिल्वर बिलीज, रिबन, एंकोवीज, स्कैलिनिड्स, सीर फिश, टूना फिश, कोबिया, फ्लैट फिश, कैट फिशरी, शॉक एंड रे फिशरी, क्रस्टेशियन फिशरी और मोलस्कन फिशरी। ये जो आपको मैंने ये टॉप जो फिशेज हैं, जो टॉप कैप्चर होती हैं फिशेज, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो आप जुड़ी रहिए इस लेक्चर के साथ अगर आपको इन फिशेज के बारे में पढ़ना हो। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनलैंड फिशरी और मैरीन फिशरी के बारे में के डिफरेंस क्या है। इनलैंड फिशरी और मैरीन फिशरी, इनलैंड फिशरी की अगर हम बात करें, इनलैंड फिशरी जो होती है इज़ द रेयरिंग ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर लाइक कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वर्स एंड रिवर्स। और मैरीन की अगर हम बात करें, रेयरिंग ऑफ फिश इन सी वाटर और साल्ट वाटर। तो ये डिफरेंस है, जो इनलैंड होती है पॉन्ड्स, रिजर्वर्स और रिवर्स के अंदर रेयर किया जाता है, और मैरीन जो है वो सी वाटर के अंदर फिश को रेयर किया जाता है। ओके, तो इनलैंड ए लार्ज नंबर ऑफ फिशेज आर कल्चर्ड फॉर ह्यूमन कंजप्शन इन टैंक्स, पॉन्ड्स लाइक फिश फॉर्म, ठीक है, और ब्लू रिवोल्यूशन। तो जो मैरीन फिशरी है, ए लार्ज नंबर ऑफ फिशेज आर कॉट बाय यूजिंग सिंथेटिक फाइबर नेट्स, मैकेनाइज्ड फिशिंग एट्सेट्रा। इनलैंड के अंदर दीज फिशेज आर फ्रेश वाटर कमर्शियली फिशिंग ऑपरेशंस, और मैरीन जो है दीज फिशेज कैन बी प्रोडक्ट रीचिंग वर्ल्ड मार्केट। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो इनलैंड है इसकी जो एग्जांपल है वो है रोहू, ग्रास कार्प, क्रॉस कैलस, सिरनस मैरीगल। और अगर हम मैरीन फिशरी की अगर हम बात करें, इसके अंदर आते हैं मोलस्क, मैकरल, सैडीन्स, टूनास, क्रस्टेशियंस एट्सेट्रा, जो हमने अभी डिस्कस किए। ओके, द इम्पॉर्टेंट मैरीन फिशरीज कैन बी ग्रुप्ड इन टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले हमें कैटेगरीज देखनी है। एक होती है पहली सरफेस वाटर फिश, जिसको हम कहते हैं पिलेजिक। दूसरी होती है मिड वाटर फिश, ये भी होती है पिलेजिक। और तीसरी होती है बॉटम वाटर फिश, जिसको हम कहते हैं डिमर्सल। ओके, आप सरफेस वाटर फिशरीज के अंदर कौन सी आती है? सार्डीन्स होती है, एनकोवीज, रिबन फिश, मैकरल, सीर फिश और टूना, ये आती है सरफेस वाटर फिशेज के अंदर। मिड वाटर की अगर हम बात करें, बॉम्बे डक, कोबिया, सिल्वर बेलीज, हारस मैकरल जो है ये आती है मिड वाटर फिशेज के अंदर। बॉटम की अगर हम बात करें, पिर्चेज, कैट फिशेज, पॉम्फ्रेट्स, फ्लैट फिशेज और ईल जो है ये आती है बॉटम वाटर फिशेज के अंदर। ओके, पहले हम बात करेंगे सैडीन्स के बारे में। जो सार्डीन्स होती हैं, क्या होती हैं? सार्डीन्स आर वन ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल पिलेजिक स्कूलिंग फिश इन इंडिया। 14 स्पीशीज ऑफ सार्डीन्स आर फाउंड इन द इंडियन वाटर्स। आउट ऑफ 14 स्पीशीज, द ओल्ड सार्डीन, जिसका नाम है साइंटिफिक सार्डिनिला लॉन्गिसिप्स, एलोन कंट्रीब्यूट टू द लार्जेस्ट सिंगल स्पीशीज फिशरी इन द कंट्री। ऑयल सैडीन जो है सैडीन के अंदर आती है, इसका साइंटिफिक नाम है सैडिनिला लॉन्गिसिप्स। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑयल सैडीन का साइंटिफिक नाम क्या है। तो ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट होती है इंडिया के अंदर, कंप्राइजिंग अबाउट 15% ऑफ द टोटल मैरीन फिश कैचेस। द इंडियन ऑयल सैडीन इज वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनली लिमिटेड स्पीशीज ऑफ सैडिनिला एंड कैन बी फाउंड इन नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया ओशन। तो जो ये ऑयल सैडीन है, सैडीन्स के अंदर सबसे ज्यादा ये पाई जाती है, और इसकी कुछ लिमिटेड स्पीशीज हैं जो कि नॉर्दर्न रीजन जो है इंडिया ओशन का, वहां पे ये देखी जा सकती है। ऑयल सैडीन्स लैंडिंग इज मैक्सिमम ड्यूरिंग पोस्ट मॉनसून सीजन, फॉलोड बाय मॉनसून एंड प्री मॉनसून। ओके,
द अदर 13 स्पीशीज आर टर्म्ड एज लेसर सैडिन्स। ओएसैडिन जो है ये सबसे ज्यादा, उसके बाद जो है 13 टोटल 14 स्पीशीज में वन स्पीशीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 13 जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये इसका बहुत ज्यादा ये देखी जाती है। कंप्राइज ऑल द स्पीशीज ऑफ सैडिन्स, सैडिन स्पीशीज अदर देन द एंडिन ओएसैडिन्स दैट कंट्रीब्यूट अबाउट 3-7% टू द टोटल मैरीन फिश कैच। ओके, they are known to inhabit mostly near shore waters up to 25 to 30 meter depth zone. 9 species of lesser sardines occurring in Indian water in the order abundance are Sardinella gabosa, Sardinella fimbriata, Sardinella cirrum, S. albila, S. dia, S. sardensis, S. clupoides, S. melanura, S. jonesi. ये जो है ये भी पाई जाती हैं कहाँ पे, इंडियन वाटर के अंदर। ये जो नाम मैंने बताए, नाम इसलिए बताने जरूरी है, वहां पे हो सकता है वहां पे सैडिन्स का जो नाम जो है 3-4 सैडिन्स का नाम अगर वहां पे देखा जाए, वहां पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, 3 सैडिन्स के नाम दे के एक अपने खुद से पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी सैडिन नहीं है। मिसाल देता हूँ, वहां पे इस तरह से क्वेश्चन भी देखा गया है, सैडिनिला गैबोसा, सैडिनिला एल्बिला, सैडिनिला जुनेसी, और खुद से डाल दिया जी अपने नाम से सैडिनिला प्लेटोनु, ठीक है ना। अब अगर आपने ये पढ़े होंगे, नाम पढ़े होंगे, तो आप समझ जाओगे जो सैडिनिला प्लेटोनु इन्होंने लिखा है ये गलत है, तो आप वहां से इजिली जो अपने मार्क्स से वो ले सकते हैं। 4 रीजन्स ऑफ लेसर सैडिन्स कॉन्सेंट्रेशन आर नोटिसेबल ऑन द इंडियन कोस्ट, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। ओके, सैडिन्स फिश नेम और पिक्चर। ये है इंडियन ऑयल सैडिन, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, सैडिनिला लॉन्गिसिप्स। ये जो है ये है सैडिनिला लॉन्गिसिप्स। नीचे जो दी गई है ये है गोल्ड स्ट्रिप सैडिन, जिसका साइंटिफिक नाम है सैडिनिला गिबोसा। हो सकता है वहां पे ये पूछा जाए गोल्ड स्ट्राइप का सैडिन का साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं ये है। फिर है जी फ्रेंच स्केल सैडिन, इसके जो साइंटिफिक नाम है सैडिनिला फेम्ब्रिएटा, ये इसकी शेप है। ओके, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। फिर है जी एंचोवीज, ठीक है, एंचोवीज जो है, एंचोवीज आर स्मॉल फिश हैविंग ग्रीनिश ब्लू रिफ्लेक्शंस ड्यू टू द सिल्वर कलर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप दैट रेंस runs from the head to base of caudal fin. They are found in scattered areas throughout the world oceans but are concentrated in temperature waters and are rare or absent in very cold or very warm areas. Anchovies. Anchovies contributes around 6% to the total pelagic fish landing of India. 28 species of anchovies are recorded in the Indian water. Anchovies mostly feed on zooplanktons, Andhra Pradesh and Tamil Nadu along east coast and Kerala along west coast are the 3 coastal states of India which support 95%. Okay? अब जो एंचोवीज, कुछ एंचोवीज के जो इंपॉर्टेंट नाम बनते हैं साइंटिफिक, हम आपको बताएंगे। इंडियन एंचोवी जो है इसका साइंटिफिक नाम है स्टोलीफोरस एंडिकस। ये है आपके सामने इंडियन एंचोवीज। उसके बाद है गोल्ड स्पॉटेड ग्रेनेडियर एंचोवी, इसका साइंटिफिक नाम है क्विलिया डुसमुरी, ये आप देख सकते हैं। फिर है जी मालबर एंचोवी, इसका साइंटिफिक नाम है थ्राइसा मेलाबेरिका, ये आप देख सकते हैं। मैकरल्स, mackerel is a common name applied to a number of different species of schooling epipelagic fish of the family Cucumberandia. Jo they are found in both temperate and tropical seas, mostly living along the coast or offshore in the oceanic environment. Mackerels typically have rows of longitudinal bands or spots along upper half of body. Dorsal and anal finlets, keels on caudal peduncle and deeply forked caudal fin.
मैकरल्स फाउंड इन इंडियन वाटर्स आर द इंडियन मैकरल, इसका साइंटिफिक नाम जो है, और ऑस्ट्रेलिजर कैनागोटा जो है साइंटिफिक नाम है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ जाता है। द इंडियन क्लब मैकरल जिसका नाम है स्कॉम्बर एंडिकस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये है इंडियन मैकरल, ये इंडियन मैकरल है, और ऑस्ट्रेलिजर कैनागोटा जो है साइंटिफिक नाम है इसका। इंडियन जो चब मैकरल है स्कॉम्बर एंडिकस, ये है आपके सामने इसकी पिक्चर। फिर है जी सील फिशेस। सील फिशेस जो है इनदर ग्रुप ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेस बिलोंगिंग टू द फैमिली स्कॉम्ब्रिडिया आर द सी फिशेस रिप्रेजेंटेड इन द इंडियन कोस्टल वाटर बाय नैरो बेरेड स्पेनिश मैकरल स्कॉम्ब्रोमोरस कॉमर्सन एंड एंडो पैसिफिक किंग मैकरल स्कॉम्ब्रोमोगोटेटस। इनके साइंटिफिक नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टूनास, टूनास, टूना जो है फैमिली स्कॉम्ब्रिडिया के अंदर आती है, अमंगस्ट द लार्जेस्ट मोस्ट स्पेशलाइज्ड एंड कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल फिशेस। दे आर फाउंड इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ओशंस अराउंड द वर्ल्ड एंड अकाउंट फॉर ए मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड फिशरी प्रोडक्शन। ओके, टूनास जो है आज इमांग फिशेस बिकॉज दे प्रोसेस बॉडी टेम्परेचर सेवरल डिग्री हायर देन दी एम्बियंट वाटर्स एंड हैव हाई मेटाबॉलिक रेट दैट इनेबल्स देम टू एग्जिबिट एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रो रेट ग्रोथ रेट। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड वेरी वाइडली इन साइज कलर एंड फिन लेंथ। अराउंड 90% ऑफ द ग्लोबल टूना कैचेज आर फ्रॉम द इंडियन ओशंस। The waters of Andaman Island are known to have the world richest stock of tunas with 1 lakh tons of coastal tunas and 82,000 tons of oceanic tunas available for exploitation. In Lakshadweep, the stock of tunas are estimated to be around 50,000 to 90,000 tons and tunas contribute around 85% of the total marine fish landings in Lakshadweep and island. Tunas commonly found in Indian waters are little tunny, Euthynous affinus, frigate tuna, Ox's thazard, oriented bonito, Sarda orientalis, yellow fin tuna, Thunnus albicarus, Bigis tuna, Thunnus obesus, skipjack tuna, Katsuas pilamis. देखो प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी बढ़ाना थोड़ा अब जल्दी में निकल जाती है, कोई चीज़ें गलत निकल जाती हैं। और प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें, ये बहुत टाइप की होती है, ठीक है ना, ये थोड़ी टाइप की तो होती नहीं है, इसीलिए ये पिक्चर है लिटिल टूनी की जिसका साइंटिफिक नाम है यूथिनस एफिनस। फ्राइगेट टूना की ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। ऑक्सिस थर्जर्ड जो है इसका साइंटिफिक नाम है। ओरिएंटल बोनिटो जो है साइंटिफिक नाम है सार्डा ओरिएंटेलस। येलो फिन टूना जो है ये है थनस एल्बेसेस। बिगिया टूना जो है इसका साइंटिफिक नाम है थनस ओबिसस। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में बहुत चांस है इनके आने के, ठीक है। वहां पे येलो टूना का साइंटिफिक नाम पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। वहां पे बिगिया टूना का साइंटिफिक नाम पूछा जा सकता है। स्किप जैक टूना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका जो है कत्सुनस पैलामिसिक जो है इसका साइंटिफिक नाम है। बॉम्बे डक बड़ा इंपॉर्टेंट फिश है, ठीक है ना। बॉम्बे डक का जब जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बॉम्बे डक का हमेशा साइंटिफिक नाम पूछा गया है, ठीक है ना। वहां पे पूछा गया है कि साइंटिफिक नाम बॉम्बे डक का क्या है। चाहे जब हम बीएफएससी में थे तब भी हमें साइंटिफिक नाम बॉम्बे डक का पूछा गया था, एमएससी के अंदर भी पूछा गया था। तो बॉम्बे डक का साइंटिफिक नाम है हार्पोडॉन नेरस, याद रखना। हार्पोडॉन नेरस जो है ये साइंटिफिक नाम है बॉम्बे डक का। फाउंड इन द मिड वाटर कॉलम डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंडो वेस्ट पैसिफिक इज ए वाइट सॉफ्ट एंड डिलिकेट फिश प्रीडेटरी इन हैवर्स। इट कंट्रीब्यूट टू ए मेजर फिशरी अलॉन्ग द महाराष्ट्र गुजरात
वहां पे प्रेडेटरी भी आ सकता है, ये क्या है, प्रेडेटरी है या और कुछ है। एंड ओकर्स स्पोरैडिकली अलोंग द ईस्ट कोस्ट, इट इज कैप्चर्ड यूजिंग ए कैरेक्टरिस्टिक बैग नेट नोन एज डॉल, ये भी पूछा जाएगा, दैट इज ऑपरेटेड अगेंस्ट टाइडल करंट्स, इट इज ए पॉपुलर फूड फिश अलोंग द नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, इट इज मार्केट फ्रेश ड्राइड और साल्टेड। ये है आपके लिए बॉम्बे डक हार्पोडानेरस कोबिया। कोबिया का साइंटिफिक नाम क्या है, रैंकिस सिंड्रन कैराडम, फाउंड थ्रू आउट द वाटर कॉलम एंड ओकर्स इन वार्म टेम्परेचर टू ट्रॉपिकल वाटर ऑफ द वेस्ट एंड ईस्ट अटलांटिक थ्रू आउट द कैरिबियन एंड इन सिमिलर जोन इन द इंडो वेस्ट पैसिफिक रीजन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। द फिश इज ए कार्निवरस एंड कॉन्ग्रेग एट ओरीफ्स शिप रिक हार्बर बॉयज एंड अदर सबमर्जेड स्ट्रक्चर इन सर्च ऑफ फूड। जेविनाइल्स जो है मे एंटर एस्टुरीज एंड मैंग्रोव इन सर्च ऑफ प्रे, इट इज डार्क ब्राउन इन कलर, यंग वंस हैव अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट हॉरिजॉन्टल स्ट्रिपड, इट ग्रोज अप टू 2 मीटर लेंथ एंड 50 kg वेट, इट इज वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग एंड हाई वैल्यू मैरीन फिश दैट इज बींग फार्मड इन सी केज इन इंडिया। ये है जी आपके लिए रैकी सिंटन कैनाडम, जिसको हम बोलते हैं कोबिया। वहां पे ये भी आ सकता है कि कोबिया मैरीन है या फ्रेश है या ब्लैकिश वाटर है, वहां पे अगर आपने पढ़ा होगा मैरीन तो आप समझ जाओगे कि सर ये तो मैरीन है। ओके, फ्लैट फिशेस। फ्लैट फिशेस जो हैं आर्डर प्लीरो नेक्टिव फॉर्म्स के अंदर आती हैं और बॉटम डवेलिंग डीप सी और बोनी फिश, ये भी आ सकता है कि ये बॉटम है या सरफेस है, विद ओवल शेप्ड एंड फ्लैटन बॉडीज हैविंग बोथ आईज ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। फ्लैट फिशेज कैन कम्फ्लेज देमसेल्व्स बाई इमिटेटिंग द कलर ऑफ द सी फ्लोर, दे इंक्लूड हेलीबट फ्लाउंडर सोल टर्बोट प्लेस टैब एक्स्ट्रा। एमॉन्ग द मैरीन फिशरी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया द फ्लैट फिशेज ऑक्यूपाई प्लेस इंपॉर्टेंट अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट एस्पेशली द नॉर्थ केरला एंड साउथर्न कनाडा कोस्ट। Although the about 91 species of flat fishes are reported in the Indian waters, it is only a very small number that contributes to any large catches. In fact, only Malabar tongue sole, Cynogolus macrostomus, contributes to a regular fishery of significance. Other species such as large scale tongue sole, C. macrolepidotus, Indian halibut, Citodus arumia, large tooth flounder. सिडोरोबस अर्सस और आल्सो फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पे इनके साइंटिफिक नाम जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं आपको विद पिक्चर दिखाऊंगा कि इनके शक्ल कैसी है, इनके साइंटिफिक नाम क्या है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये है मैलाबार टोंग सोल, जिसका साइंटिफिक नाम है सैनोग्लोसस माइक्रोस्टोमस। ये है जी लार्ज स्केल टोंग सोल साइनोग्लोसस माइक्रोलेपिडोटस। ये है जी इंडियन हेलीबट, ये आता रहता है एग्जाम में, इंडियन हेलीबट आता रहता है। सिटोडस एलुमरी जो है इसका साइंटिफिक नाम है। हिल्सा फिशरी। हिल्सा फिशरी जो है ये मैरीन के अंदर आती है। हिल्सा आल्सो नोन एज द इंडियन सैल्मन, इंडियन सैल्मन भी इसको कहा जाता है, इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अरेबियन सी, पर्शियन गुल्फ एंड बे ऑफ बंगाल। इट इज एसेंशियली ए मैरीन फिश बट इज ए यूरिहेलिन एंड कैन टॉलरेट वाइड सैलिनिटी चेंज एंड इज कैपेबल ऑफ एडजस्टिंग टू एस्चुरीन एंड बैक वाटर्स, ठीक है। इट इज ए वेरी फास्ट स्विमर एंड अंडरटेक्स लॉन्ग माइग्रेशन इन राइवर्स टू रीच स्पॉइनिंग ग्राउंड्स। क्यों, इसकी क्या कौन सी माइग्रेशन होती है, एनाड्रामस होती है, ठीक है। हिल्सा ओकर्स अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन द सौराष्ट्रा कोस्ट एंड द माउथ ऑफ रिवर नर्मदा तप्ती एंड बैक वाटर ऑफ केरला। Along the east coast, hilsa is distributed on the coast of Bengal, Odisha, Tamil Nadu, Vishakhapatnam in the brackish water of Hooghly and in Chilka Lake, and in fresh water of Brahmaputra, Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kauri. Hilsa is a plankton feeder. ये भी इसको नोट नोट कर देना।
कंज्यूमिंग बोथ फाइटो एंड जू प्लैंक्टन. देर आर टू पीक पीरियड्स ऑफ ब्रीडिंग, वन ड्यूरिंग द मॉनसून अगस्त टू अक्टूबर एंड द अदर ड्यूरिंग विंटर इन फरवरी. Hilsa is a plankton feeder consuming both phyto and zooplankton. There are two peak period of breeding, one during monsoon and second during February. The breeders ascend the rivers for spawning and the juveniles return to the river's mouth for feeding and growth. Based on the studies conducted by several investigators, the spawning grounds of different population of Hilsa in various rivers are given below. Hooghly River, spawning ground, Bagh Bazar and Midgachi, River Ganga, lower stretches ke andar Sultan Ganj and Bagalpur, River Ganga ke middle zone mein Patna and Allahabad, Brahmaputra mein North Guwahati, Godavari Krishna Kauri ke andar below the lower Anicut Chilka Lake mouth of River Daya. Ribbon fish fishery extend all along the coast of India, forming about 5% of the total marine catch. Maximum fishery available on the Kerala coast, followed by Tamil Nadu. Other centers are the coast of Andhra Pradesh, Odisha, West Bengal, Mumbai. Is also called hair tail. Isko hair tail bhi kaha jata hai. Common species kaun si hai ribbon fishes ki? Trichurus, Humilia, Lupurus, Savella, Intermedius, Muticus, फेम, ट्राइकोडिया. टू एस्टरीन स्पीशीज कौन सी हैं? ट्राइचोरस, गैंगिटिकस, पेंटुलिया. हैव आल्सो बीन रिकॉर्डेड. दे आर प्रेडेशियस एंड कार्निवरस, फीडिंग ऑन फिश एंड प्रॉन. द यंग वंस फीड ऑन कॉपीपोड्स, लार्वा ऑफ क्रस्टेशियंस, प्रॉन एंड फिश फिशरी. रिबन फिशेस आर 15 टू 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, अटेन मैच्योरिटी एट 30 सेंटीमीटर इन द टी इंटरमीडियस and 43 to 48 centimeter in other species. They probably migrate to deeper water for spawning and spawn twice in a year. The spawning period of May, June and November for Tuna Humilia. The fecundity of this species is 4000 to 16000 ova depending upon the length of the fish. The fishing season extends from July to April. Large shoals of fish appears during this period near the shore. And fishing is done with bag net, boat seine, shore seine, and gill net. Eel fishery. Eel fishery jo hai, badi important hai ye bhi. These are snake-like fishes and form small percentage of the total marine catch. Three species of commercially important: Murensis, Talabonoids, M. cinereus, Angula bengalensis. ये ईल फिशरी के अंदर आती है. तीनों जो स्पीशीज है ये किसके अंदर आती है? ईल फिशरी के अंदर. ओके, द ईल आर कार्निवरस होती हैं, बॉटम फीडर्स होती हैं, फीड ऑन फिश एंड प्रॉन. Eel attain maturity at 120 to 120 centimeter length and spawns twice a year, April to May and September. The eggs develop into leptospirillus larva, okay, which change to eelvers. These species do not show the long migration and the eggs and larva are found along the coast. Fishing is done by long lines, trawls and bag net doll. Eels have high protein content and are important food fish. They are sold fresh in market and processed pieces exported to East Asian countries. तो eel fisheries का बारे में ये कुछ था जो मैंने बताया. Pomfret fishery. पॉम्फ्रेट फिशरी जो है इंपॉर्टेंट फिशरी है गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट के अंदर. हाईली वैल्यूड ड्यू टू द एक्सीलेंट टेस्ट, प्रेफरेंस बाय द कंज्यूमर्स ऑफ मुंबई. थ्री स्पीशीज आर कॉमन. कौन सी है पॉम्फ्रेट स्पीशीज? पेम्पस अर्जेंटस, सिल्वर पॉम्फ्रेट. एग्जाम में पूछा गया है कई बार. पेम्पस चाइनेंसिस व्हाइट पॉम्फ्रेट पूछा गया एग्जाम में. Parastromatis niger, ब्लैक पॉम्फ्रेट ये भी पूछा गया एग्जाम में. इसलिए ये तीनों के तीनों जो नाम हैं, साइंटिफिक नाम और कॉमन नेम, ये याद करने हैं आपको, एग्जाम में पूछे जाएंगे, चांस है. द फिश हैज एन ओवल शॉर्ट लेटरल कंप्रेस्ड बॉडी विद स्मॉल माउथ.
द एडल्ट फिश फीड्स ऑन क्रस्टेशियंस, स्मॉल फिश एंड पॉलीचीट लार्वा, व्हाइल द यंग वंस आर प्लैंकटन फीडर्स. द स्पॉनिंग सीजन डिफर इन डिफरेंट रीजन्स एंड द फिश स्पॉन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर अलॉन्ग द मुंबई कोस्ट, बिटवीन फरवरी एंड अगस्त अलॉन्ग द गुजरात कोस्ट. द एनुअल यील्ड वॉज अबाउट 41,000 टन्स पर ईयर. Fishing is done by sea nets and the fish are cold fresh in the market during the peak season. Small part of the catch in the frozen sold later. Okay? Polynemids क्या होते हैं? Commercially important species हमें देखनी है. Polynemus endicus है, Polynemus microstoma है, Polynemus paradisus है, Hepatodactylus है, Eulithronema Tetradactylum है. These fishes are called thread fins. इनको thread fins भी कहा जाता है. And are in great demand, being tasty and delicious, bringing good value like the pomfrets. The young ones are plankton feeders, but the adults are carnivores and predatory. Spawning takes place throughout the year. P. indicus has two peak period of spawning: April to June and October to December. The average catch is about 10,000 tons per year. A large part of this is sold fresh in the market and some are sun-dried. Sole fish fishery. The flat fishes form an important fishery between South Karnataka and Kerala coast. The body is dorso ventrally flattened and asymmetrical with both the eyes on one side, which is colored. The other side is blind and pale white. They are bottom reaming fish, occurring all along the coast of India. Major species कौन से हैं? Cetodus, Cynoglossus, Solia, Pseudorhombus, Paramplegisia. Of these, C. Cymbifistes form an important fishery of Kerala. This species spawn once in a year during October to May. Semifasciatus attains size of 17 cm and move in shoals. Fishing begins at the end of monsoon and continue up to October, November, but the peak period is cast net, boat net, seine, shore seine and drag nets are employed to catch these fish. Catfish fishery. Several species of marine catfish form an important fishery of the Indian coast. The average catfish between इसको हम छोड़ दो अभी, इसको जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि अब हम 2021 में जा रहे हैं. लेकिन जो मेरे पास मटेरियल है, बहुत ही पुराना मटेरियल भी हमें इसमें इंक्लूड किया है, तो हमें ये देखना है कि द कॉमन स्पीशीज आर प्लोटस कैनियस, प्लोटस एंगुलेरस, टैकिसोरस सोना, टैकिकोरस मैकुलेटस, एटीजिलो. कैटफिश जो होती है कार्निवर्स होती है, स्पॉन वंस इन ए ईयर एंड हैव ए लॉन्ग स्पॉनिंग सीजन. द गेज यूज्ड इन आर ट्रॉल्स, पर्स सीन, बोट सीन. लार्ज पार्ट ऑफ द कैच इन कंज्यूमड फ्रेश, सम आर साल्टेड एंड ड्राइड टू बी एक्सपोर्टेड टू श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज. ये कुछ कैटफिश है जो मैरीन फिशरी के अंदर आती है. स्कॉलिडॉन जो हम डॉग फिश कहते हैं, कैरकैरिनस, सेफ्राइनस एजिना, ट्राइगॉन, इटोबेटस, प्रिस्टस, रैंकोबेटस. मैक्सिमम कैच इन फ्रॉम तमिलनाडु एंड द गेयर्स यूज्ड आर गिल नेट, ड्रिफ नेट, वेल नेट. उसके बाद है जी क्रस्टेशियन फिशरी. जो है क्रस्टेशियन फिशरी जो है मरीन फिशरी, इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ प्रॉन्स. प्रॉन्स आते हैं इसके अंदर, लोबेस्टर आते हैं, क्रैब्स एंड अदर क्रस्टेशियन स्पीशीज. दीज आर पीनिस एंडिकस, पीनिस जैपोनिकस, पीनिस मोनोडॉन, मेटापीनिस एफिनस, मेटापीनिस डोप्सिनियम, पैलिमिनस टूनिपस. ये जो है, और प्रॉन्स आर ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू एज फूड आइटम्स एंड आर कॉट इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम इनलैंड वाटर आल्सो. ओके, जो पीनियस इंडिकस है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में कि इंडियन प्रॉन का नाम बताइए. पीनियस इंडिकस जो है ये इंडियन प्रॉन के अंदर आती है, ठीक है ना. साइंटिफिक नाम इसका फिग्नोपीनियस इंडिकस भी इसको कहते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ पे दिया गया है,
पिनियस जैपोनिका, ठीक है, ये क्या है, इसको हम कहते हैं कैरेडियन श्रिम्प, क्या बोलते हैं इसको हम, कैरेडियन श्रिम्प कहते हैं, ओके। उसके बाद जो है पीनियस मोनोडॉन, जो पीनियस मोनोडॉन है ये भी बड़ी अच्छी जेंट टाइगर प्रॉन, इसको याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जेंट टाइगर प्रॉन का साइंटिफिक नाम क्या है, वो है पीनियस मोनोडॉन। मोलस्कन फिशरी है, मोलस्कन फिशरी जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोलस्कन फिशरी जो है कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ मसल्स, ऑयस्टर, क्लैम, स्नेल्स, कटल फिश आर यूज्ड एज फूड। टू स्पीशीज ऑफ मसल्स, पिरना विरिडस जिसको हम मिटिलस विरिडस एंड पेनियस एंडिका आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया ऑल अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट इंडिया। दे रिमेन अटैच्ड टू रॉक्स और स्टोन्स बाई मीन्स ऑफ बाइसस थ्रेड एंड रीच ए लेंथ ऑफ 12 to 14 सेंटीमीटर। एडिबल ऑस्टर जो है फाउंड इन इंडिया वाटर्स आर क्रेसोट्रिया मद्रेसिनसिस, फिर है जी क्रेसोस्ट्रिया कुकुलेटा, फिर है सी डिस्क्वाइडिया। दे आर हाईली न्यूट्रिटियस कंटेनिंग इनफ प्रोटीन्स विटामिन्स ए एंड बी। कि एक हैंडबुक आती है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो 2020 की अगर हम बात करें, 2020 के बाद ये हैंडबुक 2021 में नहीं आई, तो हम जो भी डिस्कस करेंगे, जो समरी डिस्कस करेंगे, वो 2020 के एंडिंग की होगी, क्योंकि 21 की अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो अगर हम देखेंगे जो एरिया है पूरे कंट्री का, वो है 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो लेंथ है कोस्ट लाइन की वो है 8118 किलोमीटर्स। और अगर हम देखें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और जो कॉन्टिनेंशियल शेल्फ है वो है 0.53 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इस डेटा के बाद कोई डेटा अभी हमारे पास नहीं आया है। तो अगर हम फिश प्रोडक्शन की बात करें, तो पहले की हमें तो ये नहीं पढ़नी है, जो अभी जो लेटेस्ट जो अभी हमें पढ़ना है वो ये है कि 14.16 MMT। MMT का मतलब क्या होता है, मिलियन मेट्रिक टन्स, MMT, मिलियन मेट्रिक टन्स। तो 2019-20 में था 14.16 मिलियन मेट्रिक टन्स। और हम बात करें वैल्यू ऑफ फिशरीज एक्सपोर्ट इन करोड़ रुपीज, करोड़ की बात करनी है, 46,662.85 करोड़ में थी ये वैल्यू ऑफ फिशरीज एक्सपोर्ट, ओके। मैरीन फिश प्रोडक्शन जो था 20 तक ये था 3.72 मिलियन मेट्रिक टन्स। इनलैंड फिश प्रोडक्शन की बात करें 10.43 MMT। टोटल जो एक्सपेंडिचर था फॉर डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर 2019-20 में ये था 64,086 लाख। अगर हम कंट्रीब्यूशन बताएं फिशरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी, ये था 2,12,915 करोड़। अगर हम परसेंटेज बताएं फिशरी सेक्टर में इंडियन इकोनॉमी की, ये थी 1.24%। अगर हम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन दिखाएं इकोनॉमिक फिशरी सेक्टर इंडियन एग्रीकल्चर का, ये था 7.28%। टोटल वैल्यू जो है फिशरीज एक्सपोर्ट की ये थी 46,662.85 करोड़, और टोटल क्वांटिटी जो थी फिशरी एक्सपोर्ट की ये थी 12,89,651 टन्स। टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन थी वो थी 178.5 MMT। कंजप्शन ऑफ फिश 2019-20 था, ये टॉप फाइव जो स्टेट्स थी इसमें त्रिपुरा, केरला, मणिपुर, उड़ीसा और असम। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें 2019-20 में टोटल जो फिश लैंडिंग सेंटर्स थे ये थे 1548, और जो मेजर फिशिंग हार्बर कमिश्नर थे वो थे 7, माइनर फिशिंग हार्बर कमिश्नर जो थे वो थे 62। अगर हम फिशरीज वेलफेयर की बात करें 2019-20 में, तो नंबर ऑफ हाउसेस सेंक्शन टू फिशरमैन 4,504, नंबर ऑफ फिशरमैन इंश्योर्ड
35 लाख 86,721 और रिलीफ प्रोवाइडेड टू फिशरमैन अंडर एससीआर ये था 7,65,194. मैरीन फिश प्रोडक्शन 2019-20 इन लॉक टन्स, तो इन लॉक टन्स में हम बताएंगे आपको जो टोटल इंडियन मैरीन फिश प्रोडक्शन थी ड्यूरिंग 19-20 ये थी 37.27 लॉक टन्स। ओके अब मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि कितने परसेंट कहां पे थी। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें 1.63, उड़ीसा की बात करें 1.58, आंध्र प्रदेश 5.64, पुडुचेरी 0.4, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 0.4, तमिलनाडु 5.83, केरला 4.75, लक्षद्वीप 0.2, कर्नाटका 4.03, गोवा 1.01, दामन एंड दीव 0.32, महाराष्ट्र 4.43, गुजरात 7.01। तो यहाँ आपको आपको दिखाई दिया होगा कि सबसे ज्यादा कहाँ है, गुजरात के अंदर 7.01। फिर अगर हम देखें इनलैंड फिश प्रोडक्शन की बात करें, इनलैंड की बात करें, इसमें जो टोटल इंडिया इनलैंड फिश प्रोडक्शन है बिटवीन 19-20 ये थी 1.04.37 लाख टन्स। इसमें अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनलैंड फिश प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ थी, इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 36.1 लाख टन्स थी। ओके बाकी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ थी, छत्तीसगढ़ 5.3 से। अगर मैरीन का पूछा जाए कि मैरीन फिश प्रोडक्शन के अंदर कौन सी स्टेट जो है सबसे ज्यादा है, ये हमने पढ़ा है गुजरात, ठीक है ना, सबसे ज्यादा गुजरात में 7.01 लाख टन्स फिश प्रोडक्शन है और बाकी आपने देख लिया इनलैंड के अंदर। तो अगर स्टेट वाइज फिश प्रोडक्शन की बात करें इन लॉक टन्स में, तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश अभी आपने पढ़ा कि जो 36.1 लॉक टन्स जो है इनलैंड फिशरीज की प्रोडक्शन हुई है। और जो अगर हम मैरीन की बात करें, मैरीन में जो नंबर वन है वो है गुजरात, गुजरात जो है ये मैरीन है, इसका जो है 7.01। ओके तो अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंटली आज की अगर हम बात करें, इस साल की बात करें, अभी हमने जो बुक डिस्कस की 2019-20 की, जो लास्ट 2020 में नवंबर के अंदर बुक रिलीज हुई थी मिनिस्ट्री की तरफ से, हमने वो डिस्कस की। अब उसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत देखें कि आज क्या कुछ हुआ है बुक के अलावा, हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटली जो इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोडक्शन है और सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो टोटल फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें 9.6 मिलियन टन्स पर एनम, ये है 2020 की। और हम बात करें, इन्होंने बताया है कि 2021 जब एंड हो जाएगा तब 11.8 मिलियन मीट्रिक टन तक ये जाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमन, अनाउंस किया था कि फाइनेंशियल पैकेज 20,000 करोड़ रुपया किसके अंडर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये योजना जो है ये सिर्फ फिशरमैन के लिए है, तो फिशरीज डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। तो इन्हें हेल्प एड्रेस द क्रिटिकल गैप्स इन द फिशरीज वैल्यू चेन एंड फॉर इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द मैरीन एंड इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सेक्टर बोथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ वाइड इंपैक्ट एंड सिग्निफिकेशन। तो इसकी वजह से उन्होंने एक यहाँ पे योजना भी स्टार्ट की। टोटल अलॉटमेंट अगर हम बात करें, मिनिस्ट्री ने एक्सप्लेन किया कि 11,000 करोड़ जो है ये पूरा कंप्लीट मैरीन इनलैंड फिशरी और एक्वाकल्चर के लिए किया जाएगा और 9,000 करोड़ जो है ये डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फिशिंग हार्बर्स बनाए जाएंगे, कॉर्ड चेन एंड मार्केट्स जो हैं बाकी 9,000। ये जो लास्ट बजट जब पास हुआ था ये उसकी डिटेल में आपके आपके सामने लेके आया हूँ। अगर हम एम्प्लॉयमेंट बेस की बात करें 145 मिलियन इंडिविजुअल जो कि टोटली जो अगर हम बात करें नेशन की 1.07% जो है नेशन जीडीपी के अंदर आता है, जनरेटिंग इन इक्विवेलेंट ऑफ रुपीज 334.41 बिलियन एक्सपोर्ट अर्निंग। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रेजेंट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इंडस्ट्री की वो है 9.6 मिलियन एमटी मीट्रिक टन्स पर एनम।
ये 2020 की अगर हम बात करें तो वहां पे ये भी बताया गया है कि अगर हम नेक्स्ट 2 साल में 21 तक या हम 22 तक क्या करेंगे, तकरीबन 11.80 मिलियन मीट्रिक टन्स को हम टच करेंगे। अब थोड़ा हम पढ़ेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में। ब्लू रिवॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन मीन्स द एडॉप्शन ऑफ द ए पैकेज प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मैरीन। देखिए, ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रोग्राम पैकेज प्रोग्राम है जो कि प्रोडक्शन है जो फिश और मैरीन प्रोडक्ट्स की, इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसकी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है, टू इंक्रीज द ओवरऑल फिश प्रोडक्शन इन ए रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल मैनर फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। तो ओवरऑल फिश जो प्रोडक्शन है उसको किस तरह इंक्रीज किया जाए, उसकी इकोनॉमिक किस तरह बढ़ाई जाए, टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग, ओके। उसके बाद टू इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये टू इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एम्पावर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फार्मर्स, ठीक, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, ब्लू रिवॉल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द 7th 5-year प्लान 1985-1990। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू रिवॉल्यूशन कब, कौन से प्लान, 5-year प्लान में ये लॉन्च किया गया। आप लिख सकते हैं 7th 5-year प्लान 1985-1990 में ये हुआ है, लॉन्च हुआ है। व्हेन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड द फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, सब्सिक्वेंटली द ब्रैकिश वाटर फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी वॉज सेट अप टू डेवलप एक्वा कल्चर, ठीक है। ब्रैकिश वाटर फिश फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी वॉज सेट अप टू डेवलप एक्वा कल्चर। उसके बाद है द ब्लू रिवॉल्यूशन हैज ब्रॉट इम्प्रूवमेंट इन एक्वा कल्चर बाई अडॉप्टिंग न्यू टेक्निक्स ऑफ फिश ब्रीडिंग, फिश मार्केटिंग एंड फिश एक्सपोर्ट, ठीक है। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है इसने इम्प्रूवमेंट एक्वा कल्चर के अंदर किस तरह नई टेक्निकें हैं जो अडॉप्ट करनी है ब्रीडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, ये तमाम जो हैं इसी में आती हैं, ठीक है ना। द नीलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रिम्प्स की प्रोडक्शन जो है इसमें भी अच्छा रोल है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है डेवलप्ड श्रिम्प्स इन ए बिग वे, सबसे ज़्यादा जो श्रिम्प्स हैं ये वहाँ पाई जाती हैं। द नीलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश नोन एज द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सा है, नीलोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। और रिसेंटली बहुत सारे स्टेप टेकन बाई द गवर्नमेंट जिसमें उन्होंने स्कीमें कुछ लॉन्च की हैं। अगर हम बात करें, एक स्कीम है ब्लू रिवॉल्यूशन, नील क्रांति मिशन। नील क्रांति मिशन है, इसका क्या फोकस था, द फोकस ऑफ द ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 इज ऑन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है। फोकस क्या था ब्लू रिवॉल्यूशन का, कि हम डेवलपमेंट और मैनेजमेंट किस तरह करें फिशरी के अंदर। दिस कवर इन लैंड फिशरीज, एक्वाकल्चर, मरीन फिशरी इंक्लूडिंग डीप सी फिशिंग, मेरीकल्चर एंड ऑल एक्टिविटीज अंडर बाय द नेशनल। देखो, ये इसने पूरा कवर किया इन लैंड फिशरी, एक्वाकल्चर, मैरीन फिशरी, तमाम जो डीप है। उसके बाद क्या हुआ, NFDB, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट, ये एस्टेब्लिश किया गया 2006 में, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन था अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। अगर पूछा जाएगा NFDP कब लॉन्च हुई, 2006 में हुई, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एग्रीकल्चर। तो आज आज बात करें, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग के अंदर आता है, ठीक है ना। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया BS की मिनिस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल से, ठीक। तो उसके बाद जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है वो क्या है, इट एम टू अचीव इकोनॉमिक प्रॉस्पर्टी ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स, किसकी, NFDP की। उसके बाद द सेम विल बी डन बाय डेवलपिंग फिशरीज इन ए सस्टेनेबल मैनर, कीपिंग इन व्यू बायो सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, ओके। द प्रोग्राम हैज सर्टन ऑब्जेक्टिव विच इंक्लूड्स, NFDP का जो प्रोग्राम था उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्या हैं, फुल टेपिंग द टोटल फिश पोटेंशियल ऑफ द कंट्री बोथ इन द इनलैंड एंड द मरीन सेक्टर एंड ट्रिपल प्रोडक्शन बाई 2020। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग, उसके बाद क्या है,
ट्रांसफॉर्मिंग द फिशरी सेक्टर एज ए मॉडर्न इंडस्ट्री विद स्पेशल फोकस ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस, डबलिंग द इनकम ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स विद स्पेशल फोकस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड बेटर पोस्ट हार्वेस्ट मार्केटिंग. उसके बाद क्या है, इंश्योरिंग इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन ऑफ फिशर्स एंड फिश फार्मर्स इन द इनकम इन्हेंसमेंट. उसके बाद क्या है, ट्रिपलिंग एक्सपोर्ट अर्निंग बाय 2020 विद फोकस ऑन बेनिफिट फ्लो टू फिशर्स एंड फिश फार्मर्स. ठीक है, फिर है जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ये बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की गई इंडिया के अंदर. द स्कीम इज एम टू टर्न इंडिया इनटू ए हॉटस्पॉट फॉर फिश एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट्स थ्रू एप्रोप्रिएट पॉलिसीज मार्केटिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट. ठीक है ना, विद अ स्कीम द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू ब्रिंग ऑल फिशरमैन अंडर द एम्बिट ऑफ फार्मर वेलफेयर प्रोग्राम्स. अच्छा पॉइंट है, ये भी अच्छा स्टेप उठाया गया. थ्रू दिस स्कीम द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज विल एस्टेब्लिश ए रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. दिस विल एड्रेस ए क्रिटिकल गैप इन द वैल्यू चेन इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन ट्रेसेबिलिटी प्रोडक्शन. उसके बाद आ गया फाइनेंशियल एलोकेशन. द गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 804.75 crore रुपीज फॉर द फिशरी सेक्टर इन द करंट फिस्कल. इट एम्स टू ऑगमेंट फिश प्रोडक्शन टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ 15 million टन बाय 2020 अंडर द ब्लू रेवोल्यूशन एंड रेज इट देयर आफ्टर टू अबाउट 20 million. कब? 2022-23 में. ओके, उसके बाद इनिशिएटिव टेकन अंडर द एमजी नरेगा. द गवर्नमेंट अंडर द एमजी नरेगा हैज स्टार्टेड टू डेवलप द फार्म पॉइंट्स वेयर पीसी कल्चर इज टेकिंग प्लेस. अच्छा स्टेप था एमजी नरेगा की तरफ से जो गवर्नमेंट ने अंडर स्टार्ट किया था. इसमें पीसी कल्चर को किस तरह डेवलप करना है, किस तरह से पॉइंट्स बनाने हैं. तो ये था कुछ ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये भी इन्फॉर्मेटिव था. मैं इस पर एक और लेक्चर लाऊँगा मरीन पे जो इंपॉर्टेंट फिशेज हैं. तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ज़रूर लेके जो टॉप 20 फिशेज हैं मैरीन की उनकी पूरी मैं बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, आपको पूरे करेक्टरिस्टिक पढ़ाऊँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए. तो देखते रहिए आप टीचिंग.